ठीक है, 8 नंबर वाली मर्सिडीज करके लिखी होगी, मस्त है, 4 डोर वाली। सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आ गए हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग खेलने वाले हैं फिर से दोबारा वन स्टेट आरपी सिमुलेशन का गेम। वैसे रोज का ही हो गया ये गेम खेलने का। बाकी गाइस, मैं आप लोगों को अभी एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मैंने आर्मी छोड़ दी है, मैंने लीव कर दिया और मैं दोबारा से वापस अपने सिटी में आ चुका हूँ आप लोगों के साथ खेलने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ गाइस, मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए एक गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों को बीच में वीडियो के या फिर लास्ट में भी बता सकता हूँ। तो गाइस, उससे पहले मेरा आर्मी छोड़ने का रीजन आप लोग सुन लो, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा कुछ आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। और जो आर्मी जिस वक्त पे मैंने छोड़ा था, उस टाइम का मैं फुटेज, मतलब जो रिकॉर्डिंग है, वो ले नहीं पाया, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हुई, बहुत घाई घाई में चीजें ऐसे घटी ना कि मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि आर्मी वालों को या फिर इन जो बाहर के देश का ये सर्वर हम लोग खेलते हैं, उनको हम लोगों से, मतलब इंडियन वालों से थोड़ा सा नफरत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं, कुछ बंदे जो है बाहर के कंट्री का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे, हम लोगों के साथ वगैरह खेलते हैं, लेकिन जो आर्मी का सीन है ना, उन लोगों को भाई बस उनके ही बंदे चाहिए। और मैंने आप लोगों को बाकी की वीडियो में भी बताया था कि वो लोग ऐसे प्लान वगैरह बनाते हैं, कुछ ना कुछ चाल या फिर प्लान बना के हम लोगों को बाहर निकालने का सोचते ही रहते, प्लान बनाते ही रहते। तो उसी प्लान में मैंने एक, मतलब फंस गया, और वहाँ से, मतलब वो मुझे निकाल नहीं रहे थे, मुझे बस रिक्वायरमेंट दे रहे थे, लेकिन मैं उनको सीधा बोला, उनकी नौकरी उनके मुंह पर मार के आया कि मुझे सीधा लीव करना है, मैं अभी अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेलूंगा और उनके साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि गाइज, एक बार आपके ऊपर रिक्वायरमेंट पड़ गया ना, तो आप लोगों की सीधा रैंक नीचे आ जाती है। और भाई इतना किसी ने बोला है भाई, 1 महीने से मैं वहाँ पर ग्राइंड कर रहा था, अच्छे से उनकी नौकरी वगैरह कर रहा था या फिर कुछ भी हो, एकदम अच्छे से कर रहा था, और सीधा रिक्वायरमेंट वगैरह दे दिया। तो हम लोगों को नहीं चाहिए भाई, एक तो इनका अच्छे से काम करो और ऊपर से ये बाकी का सहन करके भी उधर रहो, झक मारो। तो वो सीधा हमने, मतलब पूरा डॉची कर दिया, तो सीधा मैं लेफ्ट करके आ गया अभी सिटी में। तो गाइज, आर्मी में रहकर मैंने 4-4.5 मिलियन के आसपास पैसे कमाए थे, और अभी मैं सिटी में हूँ, तो अभी मुझे गाड़ी की नीड है, मुझे कार लेनी है, क्योंकि जो मेरे पास पहली सुंदरी थी और उसके बाद मैंने एक बॉम्बर, मतलब जो BMW का मॉडल था वो खरीदा था, लेकिन वो बीच में मैंने आर्मी में था तभी, मतलब वो बेच दिया और आप लोगों को दिखाने का चांस ही नहीं मिला। क्योंकि गाइस क्या है ना, जब मैंने वो बॉम्बर, मतलब BMW का मॉडल खरीदा ना, तब उसके शायद दूसरे दिन ही मैं आर्मी में भर्ती हो चुका था। सो मुझे वो वीडियो बनाने का, मतलब टाइम ही नहीं मिला, और आप लोगों को पता है कि बेस से मुझे बाहर नहीं छोड़ते थे, तो मैं वो भी, मतलब कर नहीं पाया रिकॉर्ड। और अभी जो ब्लैक कार दिख रही है ना, मर्सिडीज, ये कार मैं लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। टैश सैन एड्रेस कोई जो नाम है लड़की है, ये क्रिश की और नवाज की फ्रेंड है, तो वो उन्होंने थोड़ा बात वगैरह करके उनको बोला था कि प्रिंस को ये गाड़ी लेनी है, सो उसको टेस्ट ड्राइव वगैरह करने दो। तो बाकी गाड़ी है बहुत अच्छी है, और ये मेरे गाड़ी लेने पर ना बहुत सारे, मतलब ऐसे वाद वगैरह हम लोगों के हुए थे ना कि कौन सी ले, मुझे तो रेंज रोवर लेनी थी, लेकिन रेंज रोवर का थोड़ा स्पीड वगैरह का और हैंडलिंग वगैरह का प्रॉब्लम है। तो मैं 2 दिन से सिटी में, और हम लोग सोच रहे कि कौन सी गाड़ी ले, कोई अच्छी वगैरह मिल जाए सेकंड हैंड तो लेंगे, लेकिन अभी भाई मतलब फिक्स ही हो गए, ये मर्सिडीज लेंगे हम लोग, एकदम प्रीमियम वाली गाड़ी है, और 2.9 मिलियन की ये गाड़ी है, और ये मैंने नई ली है। और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, मतलब इधर भी थोड़ा हम लोगों का सीन हुआ था कि कौन सी ले, मतलब हम लोग एकदम डिसाइड कर रहे थे कि ले या नहीं ले, लेकिन लास्ट में मैंने ये गाड़ी ले ली, और भाई सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली गाड़ी है ये। अबे चुतिये, ब्लैक खरीदनी थी ना। अरे यार नवाज भाई, ब्लैक हो या व्हाइट, आखिर में कलर तो हम लोगों को गोल्ड ही करवाना है, क्योंकि हम लोगों का सारे गाड़ियों का कलर गोल्ड ही है। कांग्रेचुलेशन प्रिंस, कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू नवाज भाई, और क्रिश भाई आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप तो गूंगे बह रहे हैं ना, तो आप लोगों ने मतलब टाइप ही करके भेजा। तो गाइज वो छोड़ो, अभी हम लोग आ चुके हैं ट्यूनिंग शॉप पे, और अभी हम लोग गाड़ी को मस्त वाला कलर वगैरह करवाएंगे, जो भी मेरे पास प्रीमियम वगैरह पार्ट है वो गाड़ी को ये करेंगे। और इसकी टॉप स्पीड पता है, इसकी टॉप स्पीड है 270, शायद उसी उसी के आसपास है कुछ, 270 है। और अभी जो हम लोग पार्ट्स वगैरह इसमें डालेंगे ना, तो और ज़्यादा ये बढ़ेगी, और हम लोग अभी करेंगे कलर कार को गोल्ड वगैरह, मतलब गोल्ड ही करेंगे, क्योंकि सारों के सारिंग के गाड़ियों के कलर जो है वो गोल्ड ही है।
तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाइड किया, अच्छे अच्छे पार्ट्स वगैरह डाले, प्रीमियम वाले जो भी है वो, ताकि गाड़ी की स्पीड वगैरह बढ़े और हैंडलिंग वगैरह अच्छे हो, और बाकी गाड़ी के जो शीशे थे वो एकदम ब्लैक कर दिए, क्योंकि अभी हम लोग बनाने वाले हैं इस सिटी में अपना इंडियन वाला गैंग, जो जिसमें सारे इंडियन बंदे रहेंगे, और जो भी हम लोगों के मतलब बाहर के कंट्री के भी अच्छे अच्छे दोस्त है वो भी इस गैंग में आ सकते हैं। लेकिन गैंग में आने के लिए आप लोगों को 10 लेवल कम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट में गैंग का अपडेट आने वाला है, और उसी के साथ में आप लोगों के पास एक गन होनी चाहिए, और कौन सी भी कार हो उसको गोल्ड कलर आप लोगों को करवाना पड़ेगा। मतलब देखो, आपके पास गाड़ी है तो भी चलेगा, लेकिन मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं है कलर करवाने के लिए तो थोड़ा ग्राइंड वगैरह करो, पैसे वगैरह कमाओ, और फिर आप लोग उसके बाद भी आप लोग गाड़ी को कलर करवा सकते हो, कोई मतलब एकदम ऐसे आपके ऊपर ज़बरदस्ती वगैरह नहीं है। बाकी गाइस और एक बात मुझे आप लोगों को बतानी है, वो बात ये है कि अभी हम लोग गाड़ी का बिजनेस करने वाले हैं, साथ ही में गैंग भी चलाएंगे, और आपके लिए जो अभी मेन बात है आपके लिए गुड न्यूज़ वो ये है कि 1 मिलियन जो है मेरे, मतलब जो मैंने 4.5 मिलियन जो कमाए थे उसमें से 1 मिलियन मैं साइड में रखने वाला हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर आएंगे या फिर जो भी इंडिया का बंदा आएगा उसको मैं गाड़ी खरीद के दूंगा, जो मतलब जैसी मेरी सुंदरी थी ना उसी टाइप की। मतलब आप लोग ऐसे मत आ जाना कि मेरे पास भाई मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी और वो होगी 600 के या फिर 1 मिलियन के वगैरह आसपास, तो मैं वैसी तो खरीद के नहीं लेकर दूंगा, लेकिन जो मेरी सुंदरी थी उस कार आप लोगों को स्टार्टिंग मैं दे दूंगा, क्योंकि भाई पता है मुझे स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो वो स्कूटी पे वगैरह चलाता था, लेकिन आपके लिए मैं वो गाड़ी खरीद के दूंगा ताकि आप लोगों अच्छे से ग्राइंड वगैरह कर सको और आपका फास्ट में लेवल अप वगैरह हो सके। ए बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, तू चल, मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। हाँ अच्छा तो हूँ मैं, लेकिन गाइस और एक बात आप ध्यान से सुनना, मैं मतलब सब्सक्राइबर वगैरह पाने के लिए नहीं कर रहा, मैंने एकदम अच्छे से बोला है कि जो भी इंडियन का बंदा होगा या इंडिया का बंदा होगा मैं उसको गाड़ी खरीद के दूंगा स्टार्टिंग में उसके मतलब ग्राइंड वगैरह करने के लिए। तो ऐसा मत समझना कि भाई ये सब्सक्राइबर वगैरह पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने फेस किया है वो आपको फेस करना ना पड़े इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ तो गाइस अभी मैं सिटी में भी आ चुका हूँ, गाड़ी वगैरह भी खरीदी है और आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ है वो भी बता दी है। बाकी गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और गैंग में आने के लिए आप लोगों को 10 लेवल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आप लोगों के लिए मस्ट है वो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मतलब 3-4 लेवल के भी आ जाते हैं कि मुझे गैंग में ले लो मुझे गैंग में ले लो, क्योंकि गैंग का सीन ये है कि एक तो रिक्वायरमेंट रहता है उसका उस चीज़ का, और आप लोगों को अगर गाड़ी वगैरह लेनी है गन वगैरह बाय करनी है तो आप लोगों को लेवल कंप्लीट होना पड़ता है करना पड़ता है। तो हम लोगों को पता है कि 10 लेवल कंप्लीट करोगे ना आप लोग तो गाड़ी भी ले सकते हो और गन वगैरह सब कुछ ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय। ओह माय गॉड, नो 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 डॉली, यू चीट मी सर, राइट डॉली, व्हाई यू चीट मी, माय हार्ट इज ब्रोकन, आई नो वास I, but I am not good. I am not feeling good. Why not? Why you with Prince? Because he messaged me. You forget I exist. Tut. I already booked you. He booked you for girlfriend. Yes, they sorry. Know. I need talk to you, Dolly. Please follow me. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।